में विधानसभा के उपचुनाव सितंबर तक टल सकते हैं। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या और प्रवासी मजदूरों के बढ़ती हुई तादाद के बाद अब एक बार खतरा फिर से बढ़ रहा है और यही फैसला इस बार लिया जा सकता है कि मॉनसून को देखते हुए चुनाव आयोग ये फैसला ले सकता है। वैसे इस तरह के संकेत भारत निर्वाचन आयोग के 4 जून 2020 के उस प्रमाण पत्र से मिलते हैं जिसमें जौरा सीट के उपचुनाव की 6 महीने की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद जारी की गई है। हालात ठीक होने तक चुनाव स्थगित करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रमुख सचिव सुमित चक्रवर्ती के हस्ताक्षर वाले इस प्रमाण पत्र में कारणों का खुलासा किया गया है। 4 जून के इस पत्र में आयोग ने तर्क दिया है कि जनप्रतिनिधि जो हैं, यानी कि जो MLAs हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कानून 1951 की धारा 151A के मुताबिक चुनाव कराना संभव नहीं है उनके लिए, क्योंकि संचालन तंत्र यानी लॉजिस्टिक्स, EVM और VVPAT मशीनों की तैयारी और महामारी के हिसाब से निर्वाचन तंत्र का प्रशिक्षण कराने में काफी परेशानी होती है। लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र करने से संक्रमण और बढ़ सकता है। तो सितंबर तक उपचुनाव टालने के कारण देखिए आप, कोरोना से संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के संपर्क में आने के कारण संक्रमण फैल सकता है। 15 जून से मानसून की बारिश शुरू होने वाली है। किसान भी बोनी में व्यस्त हो जाएंगे। जुलाई अगस्त में भारी बारिश के कारण चुनाव कराना मुश्किल काम है। मजदूर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से लौटे हैं। मजदूरों को रोजगार, आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का दबाव है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन पर भारी दबाव है। COVID-19 के नए प्रोटोकॉल के मुताबिक चुनावी तैयारी में वक्त लग सकता है। चुनावी दलों को प्रशिक्षित करना मुश्किल काम है और दलों को पहुंचाना वापस और उन्हें लाना ये भी कहीं ना कहीं एक मुश्किल काम है। हम रुक करेंगे एक बार फिर, हमारे साथ न्यूज एट शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। शरद जी, कैसे आप इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि एक तरफ वो कानून और एक तरफ चुनाव आयोग का भी अपना हवाला है और तीसरी तरफ ये महामारी कोरोना जिसने हर तबके हर वर्ग को परेशान कर रखा है, उपचुनाव को टालने को लेकर आपका ये फैसला? देखिए, बिहार को लेकर जो अभी रिसेंटली हमको इंडिकेशंस मिले हैं जहां पर सितंबर 2020 में चुनाव होने हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी जो संकेत मिले हैं और केंद्रीय निर्वाचन आयोग दिल्ली की तरफ से भी जो संकेत मिले हैं कि वो अपने तयशुदा समय पर होंगे। और उसकी बड़ी वजह ये भी मानी गई, जब हमारी मध्य प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त सीनियर IAS ऑफिसर और भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त रहे OP रावत से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि चुनाव कराने में कोई समस्या नहीं है, कुछ अंतराल के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। और दक्षिण कोरिया का जो 16 अप्रैल 2020 का चुनाव है वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि तमाम एहतियात बरतते हुए चुनाव हो सकते हैं। तो इसकी बिल्कुल संभावना है कि मध्य प्रदेश में भी ये जो 24 सीटों का उपचुनाव है ये बिहार के चुनाव के साथ हो सकता है, चूंकि 24 सीटें हैं और बिहार के उपचुनाव के लिए आम चुनाव के लिए तमाम तैयारियां होंगी ही, तो बहुत संभावना इसी बात की है कि सितंबर 2020 में हम इन 24 सीटों के लिए उपचुनाव होते हुए देखें, क्योंकि उसके बाद त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है, अक्टूबर से दशहरा, दिवाली और फिर ये प्रक्रिया 1-1.5 महीने की फिर व्यस्तता की तरफ बढ़ जाती है। तो प्रयास यही होगा कि ये बारिश के बाद का जो क्योंकि बिहार में भी नदियों का काफी बाढ़ और तमाम चुनौतियां रहती हैं, लेकिन सितंबर के मध्य से ये सिलसिला थमता है तो उम्मीद की एक एक सितंबर के बाद बिहार चुनावों को लेकर भी कोई घोषणा हो सकती है। हालांकि बिहार के चुनाव 1-2 महीने तक फेज में जा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उस दौरान इन 24 सीटों के उपचुनाव पड़ा जा सकता है। तो सितंबर तक तो ये चुनाव हम माने कि सितंबर से पहले चुनाव नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी बातचीत के लिए। तो फिलहाल प्रारंभिक तौर पर हम ये मान सकते हैं कि सितंबर के पहले तक चुनाव होना कहीं ना कहीं फिलहाल अभी मुश्किल नजर आता है। तो देखिए, कारण भी हमने आपको बता दिए, उपचुनाव टालने के पीछे आखिर कारण क्या है, और कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं उपचुनाव टालने के पीछे जो मंशा है। चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से बयान दे चुका है क्योंकि काफ़ी सारे चुनौतियां हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, फिर चाहे वो दलों को लाना, ले जाना, उन्हें वापस पहुंचाना, और एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से जो लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, कई अनेक चुनौतियाँ हैं